एक तरफ देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बजट से कहीं ज्यादा खर्च के बाद भी पूरे नहीं किए जा पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार बैंकों पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए सहायता नहीं देने का इल्जाम भी लगा रही है। देश के लगभग 358 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अपने बजट से काफी ऊपर चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी मॉस्पी के अनुसार ये सारे प्रोजेक्ट्स 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं और देरी और अन्य कारणों के कारण इनको पूरा करने का खर्च 3,37,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। 1361 प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का खर्च लगभग 16,78,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब लगभग 20,16,000 करोड़ रुपए माना जा रहा है, यानी 20% अतिरिक्त खर्च। बहरहाल कॉस्ट ओवररन के अलावा सरकार को आरबीआई की तरफ से दोहरी मार पड़ी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार 2,00,000 करोड़ रुपए के कम से कम 150 प्रोजेक्ट्स को बैंकों की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है और उन्होंने आरबीआई की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिलने की बात कही। आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के सिर्फ आधे साल में ही नए प्रोजेक्ट्स आधे हो गए हैं और पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में 40% की गिरावट आई है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।